नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक नीलकंठ ने मोरों को नाचते हुए देखा। वह उनकी सुंदर पंखों से मोहित हो गया। वह घूमता घूमता मोरों के रहने की जगह पहुंचा। वहां उसने मोरों के ढेर सारे पंख गिरे हुए देखे। नीलकंठ ने सोचा कि यदि मैं इन पंखों को लगा ले तो मैं भी मोरों की तरह सुंदर बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने सभी पंखों को उठाया और अपनी पूंछ के चारों ओर रखकर बांध लिया। फिर थुमकता हुआ वह मोरों के बीच पहुंचा और उन्हें घूम घूमकर दिखाने लगा। मोरों ने उसे पहचान लिया और चोंच से मारना शुरू कर दिया। चोंच मारने के साथ वे बंधे हुए पंखों को भी खींचते जाते थे। सारे पंख निकालकर ही वे शांत हुए। नीलकंठ के भाई बंधु दूर से यह तमाशा देख रहे थे। नीलकंठ दुखी मन से अपने भाई बंधु के बीच पहुंचा। सभी उससे नाराज थे। उन्होंने कहा, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख आवश्यक नहीं है। ईश्वर ने सबको अलग अलग सुंदरता दी है। शिक्षा, स्वाभाविक रहें और दूसरों की नकल न करें।